हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स में एक कहावत बहुत ही फेमस है कि अगर आपको दिल्ली में सरकार बनानी है तो आपको यूपी जीतना ही पड़ेगा, और ये बात 100% सही भी है। 4 जून को रिजल्ट आते ही बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा झटका रहा वो रहा उत्तर प्रदेश, और उसके पीछे का वजह ये भी है कि साल 2014 में बीजेपी 71 सीट्स जीतती है, वही साल 2024 में महज 33 सीट पे सिमट के रह जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण रहे हैं बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस का, लेकिन एक जो सबसे बड़ा वजह रहा था वो ये है कि ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से नहीं समझ पाना। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी भी सरकार को सपोर्ट या अपोज करना नहीं है, बल्कि एज अ स्टूडेंट या एज एन ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू हम समझेंगे कि क्यों जरूरी होता है किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ग्राउंड रियलिटी को जानना और अपने कॉमन सिविलियंस के जरूरतों को समझना। वैसे तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बढ़ चढ़कर बात की जाती है। अगर हम बनारस की बात करें तो क्योंकि वहां से पीएम मोदी खड़े होते हैं और ये उम्मीद किया जाता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से वो जीते, लेकिन अगर वही बात किया जाए 2024 के रिजल्ट का तो पीएम मोदी महज 1,52,000 के मार्जिन से जीतते हैं। वहीं अगर हम बात करें साल 2019 के जीत के मार्जिन का तो पीएम मोदी लगभग 4,80,000 के वोट से वहां से जीतते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जीतने का विनिंग परसेंटेज है या नंबर ऑफ वोट है वो काफी ड्रास्टिकली गिरा है। तो यहां से भी कहने की जरूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो पॉपुलैरिटी है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो घटा है और जो कॉमन सिविलियंस की जो नाराजगी है वो बढ़ी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने या हारने के, लेकिन सारे फैक्टर्स को किसी भी वीडियो में इंक्लूड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साल 2014 में बीजेपी को यूपी से 71 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलते हैं, साल 2019 में उनको 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलते हैं, और साल 2024 आते आते वो महज 33 पे सिमट जाते हैं, और इसके अलावा भी जो विनिंग का जो परसेंटेज है वो भी काफी घटता है। और उसके बाद इंडिया अलायंस या खास करके हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस का, तो जिस तरीके से वो ग्राउंड रियलिटी को समझें, लोगों से फीडबैक लिए और उसके बाद अपने विनिंग परसेंटेज को जिस तरीके से बढ़ाएं, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि खास करके यूपी में इंडिया अलायंस बहुत हद तक भारी पड़ा है एनडीए के ऊपर। कितनी बार क्या होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वो सरकार को एक स्टेबिलिटी देती है जहां पे सरकार फैसले कर सके, लेकिन कितनी बार ये भी होता है कि उसी स्टेबिलिटी के कारण बहुत सारे जो जनता प्रतिनिधि होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एरोगेंस आ जाता है और वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। एक फीडबैक का सिस्टम किसी भी सरकार या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बेहद जरूरी होता है। इससे कहीं पे भी अगर कोई कमी या कहीं कुछ गलत हो रहा तो उसके बारे में जानना समझना आसान होता है। साल 2019 में जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी जीतती हैं और उसके बाद उनका एक अलग ही ऑरा बन जाता है बीजेपी में, बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्राउंड फीडबैक है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करना ही बंद कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट ये होता है कि ठीक अगले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी अपने सीट को हार जाती हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे जिसको सुन के कोई भी एक कॉमन सिविलियंस कह सकता है कि वो स्टेटमेंट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से सूट नहीं करता है। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से अधिक है, जहां पे आज भी बहुत सारे लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब, पुलिस की सर्विस या मिलिट्री की सर्विस एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन होता है जहां से वो अपने फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड को उठा सके, जहां से वो अपने सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट क्रिएट कर सके, और साथ में किसी भी तरीके से उनका ये प्रयास होता है कि वो अपने फैमिली को रन कर सके। लेकिन केंद्र प्लस स्टेट्स को मिला के लगभग 1 करोड़ से भी अधिक गवर्नमेंट की पोस्ट खाली है, जिसके बारे में ना ही तो स्टेट्स गवर्नमेंट कभी अच्छे से वैकेंसीज को निकालते हैं, ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। और उसके बाद जो रहा सहा कसर था वो कहीं ना कहीं अग्निवीर जैसा स्कीम लाके वो पूरा कर देता है, जहां पे महज एक यंगस्टर को सिर्फ 4 साल की ही सर्विस मिलेगी। तो इन सब चीजों को भी देखते हुए जो यंगस्टर थे, जो उनके फैमिली थे, वो काफी खफा थे। अब बहुत लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही एक ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लिए आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। हर किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप रोड के किनारे जाके आप एक चाय का स्टॉल खोल लें या आप एक पकौड़े का स्टॉल खोल लें। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिशियंस का जो लाइफ स्टाइल होता है, जो उनके फैमिली का लाइफ स्टाइल होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन सिविलियंस है उनके हाथ में भी फोन है, उनके हाथ में भी जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो काफी इजिली अवेलेबल हो गया। तो ये सारे चीज भी कहीं ना कहीं वो वोटिंग के टाइम में सोचते हैं और अपना वोट देने से पहले कंसिडर करते हैं कि उनको किस पॉलिटिकल पार्टी या किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। एक जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही वो ये निकल के आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ये कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर जो स्कीम लाया गया है इसको कंप्लीट तरीके से स्क्रैप करें और जो एक नॉर्मल
सर्विस का प्रोसेस था उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि कितनी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अच्छी बात होती है और कितनी बार कॉलिशन में रहकर सरकार बनाना वो अच्छी बात होती है, डिपेंड करता है समय के ऊपर। और खास करके बात किया जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भी अलग अलग स्टेट्स में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि कोई भी यंगस्टर होते हैं उनका पैसा खत्म हो जाता है, उनका एज निकल जाता है और एक सर्टन टाइम के बाद उनके पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप इस देश में रह रहे तो आप इस देश के जो जनता प्रतिनिधि है उसके खिलाफ या प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कितनी बार भी ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर काफी ब्रूटल तरीके से लाठी चार्ज किया जाता है और ये सारे बात कहीं ना कहीं जो एक यंगस्टर है, जो उनकी फैमिली है, वो भी कंसिडर करते हैं। और एग्जैक्टली ये सब भी कुछ देखा गया है इस बार के यूपी के चुनाव में और खास करके और भी अलग अलग राज्यों में। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, दोनों के पीछे एक बहुत ही स्ट्रांग कारण होता है। अगर इंडिया अलायंस यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रांग वजह है, इस चीज को हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, लेकिन इस बार जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि मुस्लिम्स को भी टिकट दिए गए, यादव को भी टिकट दिए गए और भी अपर कास्ट को टिकट दिए गए, ओबीसी को टिकट दिए गए, तो कहने का मतलब है कि सोसाइटी में जितने अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं सबका रिप्रेजेंटेशन होना बेहद जरूरी होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम बस कुछ एक स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन के लोगों को टिकट देंगे और हम ये उम्मीद करें कि सभी लोग उन पे भरोसा करें। वहीं पे अगर बात किया जाए बीजेपी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्राउंड का फीडबैक लेते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो ग्राउंड का फीडबैक को ना लेके जो अपर लेवल के बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि उन सारे पॉलिटिशियंस को ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम था और जो नॉर्मल कॉमन सिविलियंस है, जो नॉर्मल वोटर्स हैं, उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। तो जब आप एक पॉलिटिशियन होते हैं और अगर आपको ग्राउंड की समझ नहीं होती है तो चांसेस काफी घट जाते हैं कि आपको वोट मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट काटे गए, तो ऑफकोर्स ये कहने की बात नहीं है कि जिनके भी टिकट कटते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी होती है और चांसेस भी काफी हाई होता है कि वो पार्टी के अगेंस्ट काम करें। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से यूपी में इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस रहा या उनका जो ग्राउंड रियलिटी को समझने का प्रोसेस रहा वो बेहद अच्छा रहा एज कम्पेयर टू एनडीए। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमें समझ में आता है कि सरकार जिसकी भी रहे, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, ये बेहद जरूरी होता है कि कॉमन सिविलियन से मिलते रहें, उनका फीडबैक लेते रहें, और अगर किसी भी तरीके से नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए तकरीबन सारे स्टेप्स लिए जाएं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।